जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल RTS स्टडी पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में कवर करेंगे बिहार पुलिस की नई वैकेंसी जो कि 21,391 पोस्ट पर आई है, उनके लिए सामान्य विज्ञान यानी कि साइंस का पेटी सेट नंबर 3 कवर करेंगे और पेटी सेट नंबर 2 तक कवर कर लिए थे। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में 40 मोस्ट इंपोर्टेंट VVI क्वेश्चन करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। हमारा पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह है कि निम्न में से कौन लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक है? प्रकाश वर्ष, खगोलीय मात्रक, पारसेक या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को नीचे लाइव चैट का ऑप्शन दिख रहा होगा, उसमें आप लोग कमेंट कीजिएगा यानी आप लोग आंसर दीजिएगा कि इनमें से कौन है जो लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक है। तो लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक है जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, पारसेक, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने एक का सी आंसर लगाया उन सभी का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, दो नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित विद्युत चुंबक के विकिरण में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? दृश्य प्रकाश की, अवरक्त किरण की, परावैगनिक किरण की या एक्स किरण की। तो आप लोग लाइव चैट में इसका आंसर बताइएगा कि इनमें से कौन विद्युत चुंबक के विकिरण में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? तो होती है इसमें एक्स किरण की अधिकतम होती है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा दो नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीन नंबर क्वेश्चन में है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सी नहीं बदलती है या बदलता है? तो आप लोग लाइव चैट में इसका आंसर बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में है वेग या गति, बी में है तरंग दैर्ध्य, सी में है आवृत्ति और डी में है अपवर्तनांक। तो आप लोग इसका आंसर बताइए कि क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आवृत्ति नहीं बदलता है। ठीक है, तो तीन का सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला चार नंबर में है कि फ्रेनाइट पैमाने पर तापमान 2 से फ्रेनाइट है, इसका मान सेल्सियस पैमाने में क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए में 93.3 डिग्री सेल्सियस, बी में 40 डिग्री सेल्सियस, तीन में है, सी में है 99 डिग्री सेल्सियस और डी में है 30 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 93.3 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो जिन्होंने चार का ए आंसर लगाया उन सभी का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला पाँच नंबर में कि ध्वनि तरंग किस गुण का प्रदर्शन नहीं करता है? परावर्तन का, अपवर्तन का, विवर्तन का या ध्रुवन का? तो आप लोग नीचे लाइव चैट में इसका आंसर बताएगा कि ध्वनि तरंग किस गुण का प्रदर्शन नहीं करता है। तो ये नहीं करता है तो ये ध्रुवन का प्रदर्शन नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाँच नंबर का। छः नंबर क्वेश्चन में है कि ठोस आयोडीन का रंग होता है सफ़ेद होता है, रंगहीन होता है, बैगनी भूरे से थोड़ा काला होता है या लाल भूरा होता है? तो आप लोग लाइव चैट में छः का आंसर बताएगा कि ठोस आयोडीन का रंग कैसा होता है। तो यह जो ठोस आयोडीन है इसका रंग जो होता है बैगनी भूरे से थोड़ा काला होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा छः नंबर का। नेक्स्ट है सात नंबर में कि न्यूलैंड के अष्टकों के नियम में से निम्न तत्वों में से तत्व अंतिम तत्व थे, यानी कि न्यूलैंड के अष्टक नियम में जो तत्व का अंतिम तत्व कौन था? ब्रोमीन था, हाइड्रोजन था या थोरियम था या रूबिडियम था? तो अंतिम तत्व था या तो थोरियम था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा सात नंबर का। नेक्स्ट है आठ नंबर में कि सबसे अधिक रेडियो सक्रिय तत्व कौन सा है? तो इसमें आपको चार ऑप्शन दे रखा है, तो चार ऑप्शन में से आप लाइव चैट में आंसर बताएगा कि इनमें से कौन सबसे अधिक रेडियो सक्रिय तत्व है। तो यह जो है तो यह ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, ये आपको राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं नौ नंबर में कि लार की प्रकृति कैसी होती है? उदासीन होती है, अम्लीय होती है, क्षारीय होती है या उभय धर्मी होती है? तो नौ का आंसर आप लोग लाइव चैट में बताइएगा कि लार की प्रकृति कैसी होती है। तो लार जो होती है इसकी जो प्रकृति जो होती है तो ये अम्लीय होती है, आपको ध्यान रखना है। तो नौ का बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दस नंबर में कि ताजमहल के पीला होने के लिए निम्न में से कौन जिम्मेदार है? इस चार ऑप्शन में से बताना है कि जो ताजमहल के पीला होने के लिए कौन सा जिम्मेदार है? पोटेशियम है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है या कोई विकल्प सही नहीं है? तो जो ताजमहल को जो पीला होने का जो कारण है तो इसमें सल्फर डाइऑक्साइड कारण है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दस नंबर का। ग्यारह नंबर है कि अंगूर में प्रमुख रूप से निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल या एस्कोर्बिक अम्ल? तो आप लोग लाइव चैट में आंसर बताएगा कि अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो अंगूर जो होता है उसमें टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो 11 का सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर में कि अम्ल वर्षा वायु में किसके अधिक सांद्रण के कारण होती है?
तो ऑप्शन नंबर ए में CO और CO2, बी में SO2 और NO2, सी में है कि ओजोन और धूल, और डी में है कि H2O और CO। तो आप लोग 12 के आंसर बताइए कि अम्ल वर्षा वायु में किसकी अधिक सांद्रण के कारण होती है, तो यह होता है SO2 और NO2 के कारण होती है। तो 12 का बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 13 नंबर में कि वनस्पति तेलों को संतृप्त वसायों में परिवर्तित करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए में है H2, सी में है Cl2 और बी में Cl2, सी में है O2 और डी में है SO2। तो आप लोग 13 का आंसर लाइव चैट में बताएगा कि वनस्पति तेलों को संतृप्त वसाओं में परिवर्तित करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो अब किया जाता है तो H2 को प्रयोग किया जाता है, यानी हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो 13 का ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर में कि सौर ऊर्जा ATP में बदलती है, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, राइबोसोम में या परऑक्सीसोम में, तो आप लोग 14 का आंसर बताएगा कि क्या आंसर होगा। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, तो 14 का ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 15 नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएँ बनती हैं, यकृत में, दीर्घ अस्थि में, अग्नाशय में या तिली में, तो आप लोग लाइव चैट में आंसर बताएगा कि मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं, तो लसिका कोशिकाएं बनती है तो यह तिली में बनती है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 नंबर का। 16 में है कि राइबोजाइम्स होते हैं, तो राइबोजाइम्स किस में होते हैं, DNA में होते हैं, RNA में होते हैं, प्रोटीन में होते हैं या इनमें से कोई नहीं, तो आप लोग लाइव चैट में आंसर बताइए 16 का कि राइबोजाइम्स होते हैं किस में होते हैं, तो राइबोजाइम्स होते हैं तो RNA में होते हैं। ठीक है, रेड ब्लड सेल में होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला आपको 17 नंबर क्वेश्चन, तो 17 नंबर में है कि लंबाई का सबसे छोटा मात्रक इनमें से कौन है, किलोमीटर, माइक्रोमीटर, मिलीमीटर या नैनोमीटर, तो आप लोग 17 का लाइव सेट में आंसर बताएगा कि लंबाई का सबसे छोटा मात्रक कौन है, तो लंबाई का जो सबसे छोटा मात्रक इस ऑप्शन के अनुसार है तो नैनोमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 नंबर का। नेक्स्ट है 18 नंबर में कि ध्वनि प्रदूषण यानी स्तर की यूनिट क्या है, डेसिबल, डेसिमल, PPM या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो आप लोग आंसर बताइए लाइव चैट में कि ध्वनि का यूनिट क्या होता है, यानी कि मात्रक क्या है, तो ध्वनि का जो मात्रक है तो डेसिबल हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 का। 19 में कि जरा दृष्टि दोष के उपचार में निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त होता है, बाइफोकल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल लेंस या सिलिंड्रिकल लेंस, तो आप लोग इसका आंसर बताइएगा कि जरा दृष्टि दोष के उपचार के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें किया जाता है बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 नंबर का। अगला है 20 नंबर में कि ऑक्सीकरण है क्षति इलेक्ट्रॉन की, परमाणु की, प्रोटॉन की या न्यूट्रॉनों की, तो आप लोग 20 का आंसर बताएगा कि ऑक्सीकरण किसकी क्षति है, तो यह है इलेक्ट्रॉन की क्षति है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, और 21 नंबर पर आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप लोग ये सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, आपको इस चैनल पर आपको साइंस का प्रैक्टिस सेट कराया जाता है और आपको प्रीवियस ईयर भी कराया जाता है और आपको इसका भी प्रैक्टिस सेट एंड ऑल प्रैक्टिस सेट भी कराया जाता है। ठीक है, तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि 21 नंबर में कि एक एवोगाड्रो संख्या का मान होता है, तो एवोगाड्रो संख्या का मान क्या होता है, आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए और आंसर बताइए लाइव चैट में कि एवोगाड्रो संख्या का मान क्या होता है, तो एवोगाड्रो संख्या का जो मान होता है जो कि ऑप्शन बी में जो दे रखा है कि 6.022×10^23, ये आपको एवोगाड्रो संख्या का मान होता है, ये आपको ध्यान रखना है, तो 21 का बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 में कि सोडा वाटर है, गैस द्रव बिलियन, ठोस द्रव्य बिलियन, द्रव द्रव बिलियन या इनमें से कोई नहीं, तो आप लोग बताइए आंसर कि सोडा वाटर क्या है, तो सोडा वाटर जो है गैस द्रव्य का बिलियन है, ये आपको राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 22 का ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अब अगला क्वेश्चन कि 23 नंबर में कि कास्ट कोयला बनाने के लिए लकड़ी जलाते हैं, वायु की उपस्थिति में, सूर्य ऑक्सीजन की उपस्थिति में, वायु की अनुपस्थिति में या नाइट्रोजन और अक्रिय गैसों की उपस्थिति में, तो आप लोग आंसर बताते हैं इसका कि कास्ट कोयला बनाने के लिए लकड़ी जलाते हैं, कैसे जलाते हैं, तो ये जलाते वायु की अनुपस्थिति में जलाते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 नंबर का। 24 में कि PB किसके निष्कर्षित होता है, तो आप लोग आंसर बताइए लाइव चैट में कि PB किसके निष्कर्षित होता है, मेकेलाइट का, हिमेटाइट का, गैलेनाइट का या मेलेनाइट का, तो जो PB जो है ये सीसा है, तो ये किसका निष्कर्षित होता है, यानी किसका अयस्क है, तो यह सीसा जो है ये आपको गैलेनाइट का अयस्क है, ये आपको ध्यान रखना है, तो 24 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला 25 नंबर में कि धातु कर्म एक प्रक्रिया है,
अयस्क से धातु को निकालने की, अयस्कों से गलवनीकरण की, लोहे में जंग लगने की, तनुकरण की। तो आप लोग 25 का आंसर बताएगा कि धातुकरण एक प्रक्रिया किसकी है। तो यह जो प्रक्रिया है अयस्क से धातु को निकालने की, यह प्रक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 नंबर का। नेक्स्ट बात करते हैं 26 नंबर। 26 में कि पौधे की वृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण यौगिक निम्नलिखित में से बने होते हैं, कार्बन के, नाइट्रोजन के, ऑक्सीजन के या सल्फर के। तो जो पौधे की वृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण यौगिक जो बने होते हैं, तो ये नाइट्रोजन के बने होते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो 26 का बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। 27 में कि निम्नलिखित SI यूनिटों में कौन सही सुमेलित नहीं है, तो ये चार ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो ए में दिया है कार्य जूल, बी में है कि बल न्यूटन, सी में द्रव्य की ग्रह और डी में है कि दाब डाइन। तो इसमें कार्य और जूल ये सही दे रखा है, बल का न्यूटन ये भी सही दे रखा है, द्रव्यमान का की ग्रह ये भी सही दे रखा है, ये दाब का डाइन ये आपको गलत दे रखा है। दाब का आपको ये पास्कल होगा, इस तो अब सही हो जाता, ठीक है। तो यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर। 28 में कि सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, इंजीनियरों द्वारा, डॉक्टरों द्वारा या नौसंचारकों द्वारा। तो जो सोनार जो है, जो प्रयोग में लाया जाता है, तो यह प्रयोग में लाया जाता है नौसंचालकों के द्वारा लाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 29 नंबर। 29 में कि यदि धरती की घूमने की गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, कोई परिवर्तित नहीं होगा या दोगुना हो जाएगा। तो जब पृथ्वी, जब धरती की घूमने की गति को बढ़ा दिया जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का जो वजन हो जाएगा यह घट जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 नंबर का। 30 है, 30 नंबर में कि त्रिविमीय चित्र लेने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं, फोटोग्राफी का, हेलोग्राफी का, रेडियोग्राफी का या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग लाइव चैट में 30 का आंसर बताएगा कि त्रिविमीय चित्र लेने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो यह प्रयोग किया जाता है, हेलोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। तो 30 का बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 31 नंबर। 31 में कि जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाती हैं, इस घटना का क्या कारण है, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन या प्रकाश का ध्रुवीकरण या प्रकाश का व्यक्तिकरण। तो आप लोग 31 का आंसर बताएगा, तो 31 का सही उत्तर हो जाएगा प्रकाश का व्यक्तिकरण हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 नंबर का। नेक्स्ट है 32 नंबर। और 32 नंबर में है कि एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, सौर सेल, लघु नाभिकीय रिएक्टर, डायनमो या थर्मोपाइल। तो 32 का आंसर आप लोग बताएगा कि एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है। तो लाइव चैट में इसका आंसर बताएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सौर सेल हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 32 नंबर का। 33 में कि किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर क्या होगा, स्थिर रहता है, बढ़ जाता है, घटता है या उपरीत में से कोई नहीं होता है। जब किसी अर्धचालक का प्रतिरोध को गर्म करेंगे तो उसका क्या होगा, तो उसका अर्धचालक का प्रतिरोध को गर्म करने पर वह घटता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 33 का। 34 है कि इंटरनेट पर www का अर्थ क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर ए में कि वर्ल्ड वाइड वर्ड्स, बी में कि वर्ल्ड वाइड वर्ड्स, सी में कि वर्ल्ड वाइड वेब, सी में कि व्हेन वेयर व्हाई। तो आप लोग आंसर बताएगा 34 का कि जो इंटरनेट पर जो www का अर्थ क्या होता है, यानी www लिखा रहता है उसका क्या अर्थ होता है। तो उसका अर्थ होता है कि वर्ल्ड वाइड वेब ये होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आपको 34 का सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 35 नंबर। 35 नंबर में कि जंग लगने पर लोहे का भार पर क्या प्रभाव पड़ता है, बढ़ता है, घटता है, वही रहता है या अनिश्चित हो जाता है। तो जब जंग लगता है लोहा पर तो उसका भार बढ़ जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 का। 36 नंबर क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर का कोर निम्नलिखित में से किसका बना होता है, कॉपर का, सिलिकॉन का, इस्पात का, एल्युमिनियम का। तो दोस्तों आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपको ये होमवर्क के रूप में आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है कि ट्रांसफार्मर का कोर किसका बना होता है, ठीक है। तो ऑप्शन आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 37 नंबर। 37 में कि पीतल रबर को वल्कनीत करने के लिए प्रयुक्त तत्व है, सल्फर, ब्रोमीन, सिलिकॉन, फास्फोरस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सल्फर, ठीक है। तो 37 का ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 में कि निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूक्लियन नहीं है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन। तो आप लोग लाइव चैट में आंसर बताएगा कि इनमें से कौन एक न्यूक्लियन नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन जो है जो न्यूक्लियन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 38 नंबर का। नेक्स्ट है 39। 39 में कि एल्युमिनियम किससे प्राप्त किया जाता है, मायका यानी अबरक से, कॉपर यानी तांबा से, मैग्नीज से या बॉक्साइड से। तो एल्युमिनियम जो है यह बॉक्साइड से प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 39 का।
और नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है कि मानवों में स्वादेंद्रिया खाली स्थान का पता लगाते हैं, स्वाद का, गंध का, स्पर्श का या सुनना का। तो जो मानव में जो स्वादेंद्रिया जो पता लगाते हैं तो यह स्वाद का पता लगाते हैं, तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा 40 नंबर का। तो दोस्तों ये था आपको बिहार पुलिस की नई वैकेंसी जो कि 21,391 पोस्ट पर है, उनके लिए सामान्य विज्ञान का VVI 40 क्वेश्चन किए हैं। तो आप लोग बताएगा इस 40 क्वेश्चन में आपको कितना सही हुआ है और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल का और घंटी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको और सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।